आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 क्लास 10th मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बहुत इजी है। इस क्वेश्चन को बेसिकली दो तीन तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, दो तरीके से तो कर ही सकते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे इजी वे में बताऊंगा जो सबसे आसान होगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इनटू फोर इक्वल पार्ट्स। चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है लाइन सेगमेंट को। जो लाइन सेगमेंट है बेटा, मैं बना लेता हूँ आपके सामने, है ना। ये आपकी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। थोड़ा सा मोटा बनाता हूँ ताकि दिखे आपको। ये आपकी लाइन सेगमेंट है, ठीक है, जिसके जो पॉइंट है वो हमें दे रखे हैं। ये वाला पॉइंट मुझे दे रखा है -2,2, और ये वाला पॉइंट मुझे दे रखा है 2,8। कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसमें। अब देखो बेटा, इसको चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक दो, एक दो तीन चार। देखो टुकड़े क्या हुए, एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, तीन टुकड़ा, चार टुकड़ा। अगर चार टुकड़े में इसको डिवाइड करना है तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा और यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा। इस पॉइंट को मैंने बोल दिया पी, इसको मैंने बोल दिया क्यू, इसको मैंने बोल दिया आर। चार इक्वल पार्ट्स, इसको तुम सेक्शन फार्मूला से भी निकाल सकते हो, लेकिन उससे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, जो तुम्हें बताना बताऊंगा नहीं। इजी कैलकुलेशन बताएंगे, वो आराम से हो जाएगा। ये जो क्यू पॉइंट है, इस तरफ भी दो टुकड़े हैं, इस तरफ भी दो टुकड़े हैं, यानी कि जो क्यू है वो बीचों बीच बैठा हुआ है। इसको हमने खुद से नाम दिया है पी क्यू आर, ठीक है। सिंस जो क्यू है बेटा, वो हमारा मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? ए बी का। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2, ठीक है। सो बेटा ये हमारा x1 हो जाएगा, ये मेरा y1, ये मेरा x2 हो जाएगा, ये मेरा y2। लगाते हैं फॉर्मूला, x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2। अच्छा, ये प्लस का टू है, प्लस का टू है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सो ये तो देखो +-0/2, और ये हो गया 10/2। ज़ीरो को अपॉन में कुछ भी, वो ज़ीरो ही होता है, 2 5 ज़ा। सो जो क्यू पॉइंट बेटा आ जाएगा, वो आ जाएगा 0,5। कोई डाउट नहीं होगी, ठीक। ये तो मुझे क्यू मिल गया, ठीक है, ये मुझे क्या मिल गया बेटा, क्यू मिल गया। अब आ जाओ नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में निकालना चाहता हूँ पी पॉइंट। जो पी पॉइंट है वो ए और क्यू के बीचों में बैठा हुआ है। ये जो पॉइंट है इसके बीच में है, ठीक है। सो जो पी पॉइंट है वो किसका मिड पॉइंट है? ए क्यू का। अगर ये एक्स वन है, वाई वन है, तो ये एक्स टू, ये वाई टू हो जाएगा। लगाओ फॉर्मूला, x1 + x2/2 y1 + y2/2, तो -2/2, और ये 7/2, 2 1 2 7/2। सो जो पी पॉइंट होगा वो आ जाएगा -1,7/2, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को यहाँ तक, आगे समझ में। पी पॉइंट भी निकल गया। अब हमें निकालना कौन सा पॉइंट है बेटा, आर पॉइंट। सो जो बेटा आर पॉइंट होगा वो किसका मिड पॉइंट होगा? क्यू बी का। नेक्स्ट स्टेप में ये लिखेंगे, जो आर होगा वो मिड पॉइंट है क्यू बी का। फॉर्मूला आपको फिर से वही लिख देना है, x1, ठीक है बेटा। इसको आप क्या बोलते हैं, इसको x1 बोल दो, इसको y1, और इसको x2, इसको y2, किसी को भी बोल सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। 2 + 0/2 y1 है 8 + 5/2, तो ये हो जाएगा 2/2, ये हो जाएगा 13/2, 2 1 2, और ये हो जाएगा 13/2। आंसर बन गया, आराम से बन गया ना। तो मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट इसमें बेस्ट है, जो कि आसान है। सेक्शन फॉर्मूले से भी तुम निकाल सकते थे। देखो जैसा क्वेश्चन नंबर सेकंड था ना, वैसे तुम्हें करना पड़ेगा सेक्शन फॉर्मूले में। अगर तुम पी पॉइंट निकालोगे तो इधर एक टुकड़ा है, इधर तीन टुकड़ा, m1 आपका 1 होगा और m2 आपका 3 होगा।
अगर आप क्यू निकालोगे, बाकी एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू वो तो फिक्स है। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, अगर आप ट्राई करके देखना चाहो चाहते हो तो, अगर क्यू निकालोगे तो एम वन भी टू होगा एम टू भी टू होगा, और आर निकालोगे तो एम वन तीन होगा और एम टू वन होगा। ट्राई करके देखना, कैलकुलेशन लंबी जाएगी लेकिन आंसर यही आना है। ठीक है बेटा, तो ये वीडियो अच्छी लगी होगी आई होप। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बच्चों कमेंट करके बताएं कैसी लगी और आपको कौन सी वीडियो नेक्स्ट चाहिए। ठीक है, चैनल पे नए हो तो बेटा सब्सक्राइब करके अपने प्यारों से सपोर्ट जरूर दें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।